हेलो दोस्तों, सबसे पहले विनती है कि आप अपने मोबाइल का केवी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तभी साफ साफ दिखेगा। तो चलिए देखते हैं आवश्यक सूचना। वाहन चालक भर्ती हेतु प्रतियोगिता 2018 का देख सकते हैं, 27/8/2019 को दिया गया है झारखंड कर्मचारी आयोग चयन आयोग के द्वारा। तो जिसका मेडिकल ये 19/8/2019 से लेकर 24/8/2019 तक हुआ था। उसके बाद जिसका इसका सिलेक्शन हुआ है वो उसका वो वाहन चालक के लिए वो कहाँ पे होना है तो देख सकते हैं, वाहन चालन जांच परीक्षा JEP 1 ग्राउंड डोरंडा रांची में होना है, ठीक है। कितना तारीख से? 3/9/2019 से लेकर 12/9/2019 तक। कितना बजे से शुरू होगा? 10:30 बजे से, ठीक है। तो किसका किसका किस दिन है तो चलिए देखते हैं। उसके लिए देख सकते हैं JEP 1 ग्रांड डोरंडा रांची में आपको उपस्थित होना है, ठीक है। तो क्या क्या लाना है अपने साथ देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र मूल, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस लाना है साथ में, फिर फोटो पहचान पत्र मूल एवं इसकी एक स्वाभिव प्रामाणित प्रति, ठीक है, जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सभी लाने हैं और एक फ़ोटो कॉपी भी, ठीक है। तो आवेदन के समय प्रयोग किया गया रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो 4। आवेदन के समय जब ये दिए थे जो फ़ोटो, वो फ़ोटो ले जाना आप लोग को 4, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देख सकते हैं, वाहन चालन जांच परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लिया जाएगा, ठीक है। वह फिर लिखा, वाहन चालन जांच परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थी को NA अवस्थर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसक रोल नंबर, देखते हैं किसक को किस दिन है। तो देख सकते हैं तीसरा नंबर पर लिखा है, LMB वाहन चालन जांच परीक्षा के लिए अलग सूचीबद्ध अभ्यर्थी की सूची निम्नवत है। तो देख सकते हैं 3/9/2019 को जांच स्थल JEP 1 ग्राउंड डोरंडा रांची, तिथि देख सकते हैं 3/9/2019 को है, पूर्वा समय देख सकते हैं 10:30 बजे से। तो देख सकते हैं पहला दिन 37 को है, 37 ये बच्चा लोग का, स्टूडेंट लोग का है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अपना अपना रोल नंबर। फिर दूसरा दिन है 4/9/2019 को 37 को, फिर 37 विद्यार्थी को होना है, ठीक है, 37 कैंडिडेट को, जांच स्थल वही है 10:30 बजे से, आप सभी देख सकते हैं। फिर 5/9/2019 को है, वीडियो रोक करके अपना अपना सभी देख सकते हैं, ठीक है। फिर 5 के बाद सीधे 7/9/2019 को है, 6 को गैप है, ठीक है। आप देख सकते हैं चौथा नंबर पे HMB वाहन चालन जांच परीक्षा के लिए अलग सूचीबद्ध अभ्यर्थी के, जो HMB वाहन के लिए भरे थे उसका दिया हुआ है, और जो HMB और LMB दोनों पद के लिए भरे थे वो पीला कलर का जो ये किया हुआ, 3 कैंडिडेट है, ठीक है। देख सकते हैं 5वां नंबर पर लिखा है, ठीक है, ये तीनों का रोल नंबर दिया हुआ है, HMB वाहन चालक एवं LMB वाहन चालक दोनों पदों के विकल्प दिया गया है, ठीक है। इन अभ्यर्थियों के HMB एवं LMB वाहन चालक की परीक्षा दिनांक 12/9/2019 को ही आयोजित होगी, ठीक है। इसका होगा 12/9/2019 को ही दोनों दोनों ये आपका LMB वाला और HMB वाला, उसका दोनों उसी दिन दिया जाएगा, ये 12/9/2019 को। तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटा दबा लीजिएगा और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। इस तरह से सब्सक्राइब करें, फिर घंटा दबाएं, घंटा दबाने के बाद ऑल पे दबाएं, उसके बाद नोटिफिकेशन वाला घंटा, अब इस तरह कुछ दिखता है।